इतना अच्छा से ये सब स्टॉक पिट रहे हैं जो आपको सामने दिख गया। शायद अभी ऐसे आपको ध्यान नहीं होगा कि यार इतना स्टॉक ये सब पिट रहे हैं, लेकिन आप एक छोटा सा स्कैनर लगाएं, 1 मिनट भी नहीं लगा और आपको चुटकी में सारा पता चल गया। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल चार्ट इंपल्स पे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम हुआ नरेंद्र कुमार और इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड में चल रहा है ना, तो उसको पता ही नहीं है कि भैया कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जो डाउन जा रहे हैं, मतलब वैसे जहां पे हमको जो है शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो या अप जा रही है तो कैसे हम उसमें जो है पुल बैक या ब्रेकआउट की एंट्री बना सकते हैं। तो ये सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ये चुटकी में कैसे आप पता कर ले। और एक बहुत ही एक आप लोग के लिए गिफ्ट समझ लीजिए, ये आप लोग को आज इस वीडियो में पता चलेगा, बहुत ही जबरदस्त आप लोग को तोहफा देने वाला हूँ इस 15 अगस्त के अवसर पे। तो इस वीडियो में उस पे चर्चा किया हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपने एक लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ और आज हम लोग बात करेंगे कि अपने लिए स्टॉक किस तरीके से फिल्टर किया जाए। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना कि इतने सारे स्टॉक में आप अपने काम के स्टॉक को कैसे फिल्टर करें, तो आज चलिए वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि आज मैं बहुत ही बड़ा आप लोग को एक गिफ्ट बोल लीजिए और या आप लोग के लर्निंग करियर के लिए एक बोलते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण जो है ना आप लोग को मिलने वाली है और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो उस मैसेज को मिस आउट नहीं कीजिएगा, तो वीडियो को लगातार देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो एज अ बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छा था। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं स्टॉक कैसे पता करें। मान लीजिए कि हमको कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक चाहिए, एक अच्छा ऐसा स्टॉक चाहिए जो पिट रहा हो, ठीक है, तो उसको कैसे फिल्टर करें, राइट। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब आते हैं हम लोग स्टेप पे। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा वीडियो के सामने रखा हूँ, मैं फिर वीडियो को जो है किनारे कर लूँगा। ओके चलिए, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या रहा है, स्टॉक स्कैनर, ठीक है, स्टॉक जो है स्कैनर आ रहा है यहाँ पे। आप मतलब बहुत सारे फॉरेक्स पेयर को भी कर सकते हैं, आप इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी कर सकते हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी चूंकि हम लोग इंडिया मार्केट की बात करने वाले, तो इसी का एक एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट। तो चलिए देखिएगा, अब जब ही आप इसके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीका से होगा, हालांकि ये बहुत ऊपर नहीं आएगा आपको ना। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे ना, जब अपना माउस को इस पे लाइएगा, ठीक है, तो ये आपका ना मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये आपका स्टॉक स्कैनर देख रहे हैं, स्टॉक स्कैनर आए वो आपका यहाँ पे आ गया, राइट। अब ना थोड़ा सा मैं वीडियो को अब ले चलता हूँ किनारे, क्योंकि अब इसका कोई काम बच नहीं गया, अब हम लोग को किनारे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोस्तों आई होप कि आपको ना दिख रहा होगा बेहतर, मैं एक कोना में आ चुका हूँ, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अब ना इसका इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है मत कहिए, स्टॉक स्कैनर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अभी उस पर हैं। यहाँ पे आप आइएगा तो आपको कुछ फिल्टर्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप अपना देश का देख रहे हैं झंडा है, कल 15 अगस्त आ रहा है, सभी को हार्दिक बधाई एडवांस में, और कल आप लोगों को कुछ मिलने वाला भी है, मैं आगे भी बात करूँगा, ये वन डे पे लगा हुआ है, चलिए अच्छी बात है। ये फ्री में आपका स्टॉक स्कैनर में बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल ऐसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे सेक्टर दिखेगा, राइट, यहाँ पे आपको सेक्टर दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ इस तरीका से कि बहुत सारा स्टॉक दिखेगा, और चूंकि इसमें भी फिल्टर करना बड़ा मुश्किल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये इतना अभी आपको मैच मिल रहा है क्योंकि अभी आपको कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, राइट।
तो आपको मान लीजिए कुछ ऐसे सेक्टर को एनालिसिस देखना चाह रहे कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है, या उस सेक्टर का ना कुछ ऐसा स्टॉक दे दो जो पिट रहा हो या नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो। तो एक कुछ अपने चाहिए स्ट्रेट, जो भी स्ट्रेटजी हो आपका, चाहे किसी वे में आप फिल्टर करते हैं, तो उसका एक तरीका हो सकता है। तो उस तरीके पे मैं ना एक फिल्टर लगाने की कोशिश करता हूँ। आप किसका करना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा दिखेगा। मान लीजिए हम लोग चूंकि जाना पना एनर्जी भी दिख रहा है, मिनरल्स भी दिख रहा है, हम फाइनेंस पे अभी करते हैं, जाना पहचाना टाइप का दिखेगा, ठीक है? सभी लोग चूंकि वीडियो को बिगनर भी देख रहे होते हैं, तो एक फिनांस का एक हम लोग का लग गया। जब ही फिनांस लगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग का एक देख रहे हैं कैसे कम गया, यहाँ पे देखिएगा ये कमता गया, क्योंकि एक फिल्टर लगा दिए। पहले शायद बहुत सारे में था, अब सिर्फ फिनांस का हो गया। चलिए तो नंबरों पर स्टॉक तो घट जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या है, आप ना यहाँ पे देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा फिनेंशियल और टेक्निकल्स करके, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकली हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं कि यार हमको ना कुछ ट्रेंड बता दो, या ऐसा मतलब स्टॉक बता दो जिसमें स्ट्रेंथ ना हो, बहुत वीक स्ट्रेंथ हो, पिटा रहा हो, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जबरदस्त वाला हो, तो कैसे करना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर हम लोग को ये पता चल जाए ना कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पिट रहा है, यही सेक्टर या जो है पिट रहा है, उसमें ये स्टॉक ज्यादा पिट रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जिस दिशा में डायरेक्शन होगा, जिस दिशा में मार्केट जा रहा होगा, हम लोग को उसी दिशा को फॉलो करना है। तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए फिनांस लगा दिए, अब हम लोग का हो गया। अब आते हैं टेक्निकल्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये टेक्निकल्स पे। आप देखिए टेक्निकल पे जब ही क्लिक करें, आप देखेंगे ना कितना नंबर ऑफ आपको ने यहाँ पे है, और इसको भी स्क्रॉल करके नीचे भी ले जा सकते हैं, मतलब ना परसेंटेज चेंज में कितना हुआ है, 5 मिनट में कितना, 1 आवर में कितना, 1 वीक में कितना, आप परसेंटेज चेंज के हिसाब से कर सकते हो, राइट? आपको और नीचे जाइएगा तो बहुत सारे इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स पे भी कर सकते हैं, राइट? तो मान लीजिए कि किसी को ऐसा पता करना है ना, हमको ऐसा बता दो कि जिसका स्ट्रेंथ बहुत डाउन चल रहा हो, मतलब वो स्टॉक पिट रहा हो, तो जैसे आपका वो चीज़ RSI पे बताता है, मैं इस पे ना एक अलग से बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये एक हो गया आपका RSI। तो अब RSI का मान लीजिए कि भैया RSI 40 वाला ना हमको ऐसा स्टॉक दे दो भैया जो 30 के नीचे हो, जिसका वैल्यू RSI 30 के नीचे हो। तो अब आए यहाँ पे 30 क्लिक कर दिए, वैल्यू की जगह पे 30 कर दिए। अब यहाँ से किए, अब आपको ऑटोमेटिक स्टॉक आ गया, यहाँ से हटाइएगा और आप देखिए पहले कितना था, अब यहाँ पे स्टॉक देखिए मात्र 75 ऐसे रह गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप यहाँ पे देखिए टेक्निकल रेटिंग भी देता है। ये टेक्निकल रेटिंग में क्या दे रहा है, टेक्निकल रेटिंग में दे रहा है कि भैया स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग सेल में है, ये आपको यहाँ पे भी देखने से पता चलेगा, राइट? तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई इसमें से हम जाना पहचाना किसी का लेंगे कि सभी लोग उसको जानते हो, परिचित हो, वैसा नाम, और उसको ना चार्ट पे लगा के भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक दिख रहा है जो जाना पहचाना, एक RBL दिख रहा है। चलिए जरा देखते हैं पहले यूनियन बैंक का क्या हाल है। तो यहाँ पे आएंगे इस पे, हम यहाँ से बैक में जाके यूनियन बैंक लिखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करने वाले हैं, और देखिए यहाँ पे NSE दिख रहा है। अब हम इसको सेलेक्ट किए, इस पर क्लिक करें, वाह वाह, देखिए कैसे पिट रहा है, ध्यान से देखिएगा आप कैसे पिट रहा है। तो जब ये गिर रहा है तो इसको पिटने में और मजा आता है, क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा छोटा टाइम फ्रेम पे लाके देखिएगा, तो ये आपको बार बार मौका देते हुए गिर रहा है। आप देखिएगा तो कैसे मौका दे दे के जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे मौका दे के गिर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कैंडल बनाया, देखिए आप इस कैंडल के बारे में जानते हैं? अगर जानते होंगे तो कैंडल जो है ना कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन सा कैंडल था और वहां से बनाया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहां से देखिए कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे, देख रहे हैं आप? तो ये आपको हेल्प करेगा आपको, चूंकि स्टॉक सिलेक्शन में कि भैया ये डाउन में था, देखिए कैसे गिर रहा है, डाउन में डाउन ट्रेंड लगा लगा के, देख रहे हैं आप? तो ऐसे में आपको ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आपका ना माइंड में नहीं, और ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करे, और ये इतना सारा स्टॉक है, 4000 स्टॉक है, उसमें से हम कैसे फिल्टर करें। तो आप अपने पैरामीटर्स के हिसाब के कर लिए। अब एक क्या आ रहा है, RBL बैंक आ रहा था, देखिएगा अब RBL बैंक, राइट? अब RBL बैंक का देखिएगा तो यहाँ पे NSE वाला है, ले लिए RBL बैंक, लीजिए
ये भी पिट रहा है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सर, आपको अब ऐसे स्टॉक खोजने जाएंगे जो लगातार पिट रहा है, आपको बहुत खोजना मुश्किल हो जाएगा कितना स्टॉक आप ढूंढ लीजिएगा। लेकिन आप एक पैरामीटर्स लगा लिए और उस पैरामीटर के हिसाब से आप ऐसा कर दिए कि भैया हमको ऐसा बता दो कि जो इतना परसेंट डाउन हो, इतना परसेंट अप हो, ठीक है, या कि एक इंडिकेटर का वैल्यू मान लीजिए 50 मूविंग एवरेज का है, तो 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे आएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। RSI 30 से कम हो तो देखिए कैसे आपको दे रहा है। इसका ना RSI भी लगा के चेक कीजिएगा, अगर यहाँ पे लाइए RSI लगाने की कोशिश कीजिएगा तो RSI देखिए आपको 30 के नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये आपको दिख रहा है कि भैया आपको बाई डिफॉल्ट वो दे दिया, अभी आपको पिट रहा है इसमें। आपको अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा ना इसको सीखा जाए 15 मिनट के चार्ट पे, देख रहे हो, वाह वाह भाई, बल्टी के पानी जैसे गिरता वैसे गिर गया, देख रहे हैं। चलिए एक आध स्टॉक और इसमें से देखते हैं, ठीक है, और कोई RBL हमको यहाँ पे दिखा, यूनियन बैंक यहाँ पे दिखा, और है कोई, अच्छा भैया, अरे लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक, लीजिए ये भी है IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसको भी थोड़ा चेक कर लिया जाए। IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे आ रहा है, अब इसको क्लिक कीजिए, देखिए ये भी क्या हो रहा है, कितना अच्छा से ये सब स्टॉक पिट रहे हैं जो आपको सामने दिख गया। शायद अभी ऐसे आपको ध्यान नहीं होगा कि यार इतना स्टॉक ये सब पिट रहे हैं, लेकिन आप एक छोटा सा स्कैनर लगाएं, 1 मिनट भी नहीं लगा और आपको चुटकी में सारा पता चल गया, समझ रहे, मतलब चुटकी बजाते आपके सामने स्टॉक हाजिर। तो ये होता है स्कैनर्स वगैरह का ना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनिए इसलिए ना, इस्तेमाल कीजिए, ट्रेडिंग भी वो आपको फ्री में दे रहा है। तो ये आपके लिए मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और स्कैनर में क्या क्या ऑप्शन है। चलिए अगर आप स्कैनर पे आएंगे, यहाँ पे फिल्टर पे आइए, जो जो फिल्टर लगाए होंगे आपको सामने दिख जाएगा। तो ये आपका एक फिल्टर हो गया, इसमें आप ना और सारी चीज़ें लगा सकते हैं, आप कंट्री लगा सकते हैं, वॉल्यूम लगा सकते हैं। आपको देखिए मैं हम ना आपको दिखाता हूँ, इसको नीचे लाइए, इतना सारा ऑप्शन है कि आप थक जाइएगा, इसके साथ खेलिए। 52 वीक न्यू हाई कोई लगा रहा है उसका आपको बना देगा, ऑल टाइम हाई पे उसको आपको लगा सकते हैं। आपको ना एक बार में आपको इतना सारा है जो आप इसके साथ करते जाइए करते जाइए। ये फिनेंशियल आपको भी दिखा देगा डेटा, अगर आप फाइनेंस के जानकारी रखते हैं, फिनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वहाँ से भी वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मान लीजिए इसको रिसेट करना है तो रिसेट कर दिए, यहाँ से हटाइए रिसेट हो गया, यहाँ से डेटा आइए रिसेट कर दीजिए, सब डेटा हट गया, बात समझ रहे। तो ये इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होगा। और दोस्तों तो मैं बता दूँ, कल 15 अगस्त है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूँ। खुशखबरी ये है दोस्तों कि 15 अगस्त के आगे से आप लोग को डेली का एक एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे। आपको वीक में एक दिन आपको जो है जो सीखेंगे हम लोग वीक में, उसको हम लोग यूट्यूब पे लाइव आके उसको जो है कुछ डाउट होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। और दोस्तों इससे भी बच जाता है, तो यहाँ पे चूंकि जितना भी आप लोग YouTube देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको एक तो सीरीज आ जाती है काफ़ी हो गई, फिर उस पर कन्वर्सेशन हो गई, ये बहुत कम लोग किए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है आपको कि आपको टू वे कम्युनिकेशन करने का भी आपको मौका मिलेगा कि आप जो भी सीखे हैं, जो भी YouTube मेरा जो सीरीज आएगी उस सीरीज के माध्यम से जो भी चीज़ सीखेंगे उस पर कोई डाउट होगा तो टू वे कम्युनिकेशन के जरिए, टू वे कम्युनिकेशन मतलब आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगा आप बोलिएगा, चार्ट खुला रहेगा, उस चार्ट पे एनालिसिस करके। और आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि एक टू वे कम्युनिकेशन आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं किया है कि आप अपने डाउट पे डायरेक्ट हमसे आप एनालिसिस करवा सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी
जो है आप लोग के लिए खुशखबरी है, और आई होप कि आप इसको ना इंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे भी और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपको गहराई में उतरना है टेक्निकल एनालिसिस की, तो चार्ट इंपल्स प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ये जो आने वाला है सीरीज, इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और अपने तो साथ में लीजिए, साथ में अपने दोस्त लोग को भी बताइए कि भैया लो, दुनिया का बेहतर प्लेटफॉर्म आ गया है, 1 रुपया लग नहीं रही है, यूट्यूब वीडियो देखो, देखना भी है भैया, उससे हो रहा है, आप लाइव ज्वाइन करो, उसका सारा आपको ना आ जाएगी, आप लोग को ना कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगी कि कितना बजे वीडियो आएगा, कितना किस किस दिन होगा, किस दिन लाइव होगा, किस दिन टू वे कम्युनिकेशन लाइव होगा, मतलब आप बोलेंगे हम सुनेंगे, आप चार्ट बोलेंगे चार्ट ओपन करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, तो ये किस किस दिन होगा वो आप लोग की कम्युनिटी पोस्ट में चला जाएगा। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप तो कर लीजिए, किस लिए रुके हैं, और आज ही कम से कम 10 लोगों को इसको भेज दीजिए, 10 लोगों को ट्रांसफर कर दीजिए, और उनको भी बोलिए भैया जुड़ के सीखो, पैसा ही दे के सिखा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चीजें अगर सीखने वाला और सिखाने वाला हो, सर पैसा बीच में बाधा नहीं आ सकती। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही रोकता हूँ, और आई होप कि आपको और आप सभी को और आपके आसपास के जो लोग जो ट्रेडिंग सीखने में जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जो इच्छुक होते हैं, उनके लिए ना तो पैसा बाधा आने वाला है, तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो इसी होप के साथ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो सीरीज आ रही है इसका आप बेनिफिट भी लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और चलते चलते ये 2 वीडियो देखना मत भूलिएगा, और जान रहे हैं अभी तक अगर कमेंट नहीं किए हैं, इंतजार काहे कर रहे हैं, जाके कीजिए ना, लिखिए ये जो आप लोगों के प्रति सोच आया कि भैया कुछ ऐसा किया जाए, आपको कैसा लगा, इसको जरूर लिखिएगा कमेंट में, और ये इस पे आप जाके बताइएगा कि भैया ये जो स्कैनर था इसके बारे में आप क्या सीखे, आप कितने स्टॉक कुछ कर रहे हैं, इसके साथ खेलिएगा, पैसा तो लग नहीं रहा, कीजिए ना इसके, भैया चलो मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, इसके साथ खेलिए, कुछ ऐसा होता है कमेंट में लिखिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।